नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपने सभी अनुदेशक और शिक्षा मित्र भाई बहनों को दिल से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं ऊपर वाले से यही एक प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों को ही नियमितीकरण की खुशखबरी जो है इस साल मिले, और अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान भी जो है साल 2024 अपने साथ लेके आए, और तो और अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से जुड़ी सारी की सारी समस्याएं जो है भगवान उसको समाप्त करें, और जल्द से जल्द दोनों की खुश झोलियां जो है वो खुशियों से भर दें। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों ही एक ही तरीके से हैं, क्योंकि दोनों की ही संविदा की नौकरी 9 और 10 हजार रुपए पे है, तो दोनों में ही कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही एक ही परिवार का हिस्सा हैं, और दो पूरे परिवार को एक साथ ही ये खुशी मिलेगी कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो है नियमित हो सके। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एक संदेश भी दिखाता हूँ जो प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी के द्वारा जो है वो संदेश जो है, बधाई संदेश जो है समस्त शिक्षा मित्र और अनुदेशक परिवार को दिया गया है। मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूं, देखिए आपकी स्क्रीन पे ही है। प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको सुख समृद्धि शांति प्रदान हो, और ये नया वर्ष हम सबके संघर्ष का ऐसा वर्ष हो जिसमें हम सब जो पिछले 6 वर्षों से प्रतीक्षारत हैं वो सब हम सबको मिले, हम सब अपने संघर्ष के शिखर पर पहुंचे और हम सब जीतें, सभी लोग एकता के साथ एक मंच पे आगे बढ़ें, यही हम आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। निरंतरता में हम सब अधिकारियों कर्मचारियों से मिलते रहें और हमारा जो संघर्ष है वो आगे बढ़े और हम सब विजय श्री को प्राप्त हों। धन्यवाद। तो आपने प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी को सुन लिया और उनकी बधाई संदेश को भी सुन लिया, और हम सभी भी यही एक प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों को ही ये नया साल साल 2024 जो है वो नियमितीकरण की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाए, और दोनों के ही जिंदगी से ये जो दुख और पीड़ा है इसको समाप्त करते हुए दोनों की ही जिंदगी खुशियों से भर दे। आपको एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जल्द से जल्द नियमितीकरण की खुशखबरी को भी सुने। इससे संबंधित जो भी अपडेट निकलेगी लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।